लेट से 1000 होगी, एक वैल्यू मेरे पास होगी लेट से 1000 आफ्टर 10 ईयर्स, एक वैल्यू मेरे पास होगी विच इज 1000, एक वैल्यू मेरे पास, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक वैल्यू मेरे पास होगी लेट से विच इज 1000 आफ्टर 10 ईयर्स, जो वैल्यू मेरे पास 10 साल के बाद होगी आज उसकी क्या वैल्यू होगी इस 0 ईयर में। मीन अब आप ये देखें कि पहली एग्जाम्पल के अंदर, इन दिस एग्जाम्पल, ठीक है, हमने देखा कि हम 0 पॉइंट के ऊपर खड़े हैं और मेरे पास 1000 रुपए हैं। आई वॉन्ट टू नो अबाउट कि आफ्टर 10 ईयर्स वट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस 1000। ठीक हो गया, सो ये फ्यूचर वैल्यू होगी। दूसरी साइड पे मैंने कहा कि लेट से हो से मेरे पास 10 साल के बाद 1000 रुपये होंगे, 1000 रुपये होंगे, अगर मेरे पास 1000 रुपये होंगे तो उसकी आज वैल्यू क्या है। अब देखें मैं फ्यूचर से बैक की तरफ आ रहा हूँ, सो जब मैं आज से फ्यूचर की तरफ देखता हूँ, आई से दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। ऑन द अदर साइड अगर मैं फ्यूचर की तरफ से देखता हूँ, आज की तरफ, यानी कि मैंने कहा मेरे पास 1000 रुपये होंगे, ठीक है, 1000 रुपये जो होंगे उनकी आज वैल्यू क्या है, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। ये फ्यूचर वैल्यू मेरे पास मौजूद थी और मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता था। सो दैट मींस कि एक साइड पे मैंने कहा कि मैं बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द पॉइंट खड़ा था, यहाँ से आगे देख रहा था, और दूसरी दफा मैं अपने आप को सपोज किया कि मैं फ्यूचर में मौजूद हूँ और मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उसकी आज वैल्यू देखना चाहता हूँ, सो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। सो स्टैंडिंग पॉइंट देखें हमारा डिफरेंट है, आज से देखता हूँ फ्यूचर की तरफ, आज से देख रहा हूँ फ्यूचर की तरफ, और फ्यूचर से देख रहा हूँ आज की तरफ। तो जब मैं आज से फ्यूचर की देख तरफ देखूंगा तो मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी फाइंड आउट करूंगा, जिसको हम कहेंगे टर्मिनल वैल्यू, और आर फ्यूचर से जब मैं देखता हूँ प्रेजेंट की तरफ तो दैट वुड बी कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, कि फ्यूचर से मैं वापस उसको 0 ईयर की तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट किया, अब हम देखते हैं जी व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हम रेज अप कर देते हैं। अच्छा, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मींस अर्निंग इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस अर्न्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। ठीक हो गया, अभी मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लिखा था, हमने कहा जी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स एन, वेयर एज कंपाउंड इज नॉट लाइक दिस। कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट, ये फर्स्ट ईयर हो गया लेट से, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ इसमें से पी कॉमन लिख लूँ तो 1 प्लस i बचा अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो 1 प्लस i है ये हो गया फर्स्ट ईयर लेट से, कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड का मतलब है पहली दफा जब आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल करेंगे, ये हो गया पी इज प्रिंसिपल, पी इंटू आई मीन्स इंटरेस्ट, दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बन गया, इसमें से मैंने पी कॉमन यानी प्रिंसिपल कॉमन ले लिया, 1 प्लस i रह गया। अब मैं दूसरी दफा इसके ऊपर जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो क्या करूंगा, दूसरी दफा भी तो आप ये देखें ना, पी एज इट इज पी इंटू 1 प्लस i होगा,
फर्स्ट टाइम भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, हम सेकंड टाइम भी इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हम थर्ड टाइम भी इसी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये बाइनोमियल इक्वेशन बनती जाएगी। हम इसको क्या करते हैं, हम कहते हैं इसमें से हमने पी निकाल लिया, वन प्लस आई जो है इसकी हम पावर्स लेते रहेंगे, ठीक है। अभी मुझे किसी ने मैसेज में भी ये लिख के भेजा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली अपनी इंटरेस्ट जो है उसको कंपाउंड करते रहते हैं। कंपाउंड करने से क्या मुराद है, हम उस इंटरेस्ट को जो है कॉन्टीन्यूसली इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते रहते हैं। दैट इज़ नॉट सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि हमने इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हर साल का जो भी इंटरेस्ट है हमने उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। सो पी इज योर प्रिंसिपल अमाउंट, वन इज क्योंकि हमने पी कॉमन ले लिया था, आई इज योर इंटरेस्ट रेट, एंड पावर एन मींस के नंबर ऑफ इयर्स, एन इक्वल टू नंबर ऑफ इयर्स। ये इंटरेस्ट रेट सिंपल इंटरेस्ट रेट से डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो आपकी प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट होगा, सेकंड टाइम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, थर्ड टाइम प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट प्लस सेकंड ईयर इंटरेस्ट सारों को ऐड करेंगे, फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, इसको हम कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इन कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद है जी सिंगल अमाउंट, यहाँ अब उसने लिखा हुआ है जी फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंड वैल्यू सिंगल अमाउंट, ठीक है। ये देखें इसमें p इंटू वन प्लस आई, वन प्लस आई एंड सो ऑन, इट विल बी स्क्वायर। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ इसको देखें सिंगल अमाउंट, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिंगल अमाउंट होती क्या है, क्योंकि हम लोग अक्सर इसी में कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज सिंगल अमाउंट। अच्छा, ये क्योंकि फ्यूचर वैल्यू के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर,